Morning students, welcome to the online class. Today we will start our previous lessons, rules of safety. Rules mean niyam, safety means suraksha ke niyamon ke bare mein padhenge ki hum apni kin rules ko follow karke suraksha kar sakte hain, safety kar sakte hain. Because safety is very important for us. We should follow some rules of safety all the time. These rules are meant for our safety. हम क्या करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए पूरा टाइम क्या करते रहते हैं, रूल्स फॉलो करते रहते हैं. एंड ये रूल्स किसके लिए बने हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बने हैं. सेफ्टी ऑन रोड, रोड पे हमें कैसे सेफ रहना चाहिए, सड़क पे. नेवर वॉक ऑन द ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. फुटपाथ मीन पकडंडी, जो रोड के साइड पे होती है चलने के लिए, पैदल चलने के लिए. हमें ऑलवेज कहाँ चलना चाहिए, फुटपाथ पे. नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड के रोड पे कभी भी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, आपको एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है. इसलिए नेवर प्ले ऑन द रोड. नेवर रन अक्रॉस द रोड, रोड के बीच में भी भागना नहीं चाहिए. फॉलो द ट्रैफिक लाइट एंड अदर सिग्नल्स, हमें क्या करना चाहिए सड़क पे, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल्स को. जब यूज द जेब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने के लिए हमें जेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करना चाहिए. जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, अगर ऐसा एक रास्ता, ऐसी जगह होती है सड़क पे जो पैदल चलने के लिए प्रदान की जाती है, और जो जेब्रा की शेप की जैसी होती है, कलर जैसी व्हाइट और ब्लैक, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, जेब्रा क्रॉसिंग. ये किस लिए प्रोवाइड की गई है, पैदल चलने के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए. ऑलवेज मेक ए क्यू टू गेट इन द बस, बस में चढ़ने के लिए हमें क्यू मीन होता लाइन, ऑलवेज हमें क्या करना चाहिए, लाइन में चलना चाहिए. नेवर रन आफ्टर ए मूविंग बस, चलती बस के पीछे कभी भी भागना नहीं चाहिए. डू नॉट ट्राई टू गेट इन और आउट द मूविंग बस, चलती हुई बस में से कभी भी अंदर और बाहर नहीं होना चाहिए. डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ द बस, विंडो को क्या करना चाहिए, कभी भी ऊपर थल्ले तोड़ना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए, ओपन नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द रूल्स फॉर रूल्स ऑन सेफ्टी ऑन रोड. नेक्स्ट वन इज सेफ्टी एट होम, घर पे हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं. नेवर ट्राई टू लाइट मैच स्टिक इन द अपसेट ऑफ एन एल्डर, मैच स्टिक मीन मैचेस, कभी भी किसी बड़े के बिना, उनकी आज्ञा के बिना, जो उनकी मौजूदगी के बिना हमें कभी भी माचिस नहीं जलानी चाहिए, आग नहीं जलानी चाहिए. डू नॉट प्ले विद द शार्प ऑब्जेक्ट, कभी भी शार्प मीन तीखे, तीखे समान चीजों के साथ नहीं खेलना चाहिए. लाइक नाइफ्स, चाकू, ब्लेड, सीजर, कैंची एक्सेट्रा. नेवर टच इलेक्ट्रिकल स्विचेज एंड गैजेट्स विद वेट हैंड्स, वेट मीन गीले, कभी भी क्या करना चाहिए, गीले हाथों के साथ हमें कभी भी क्या, जो इलेक्ट्रिक बिजली से सामान चलता है उसको टच नहीं करना चाहिए, इससे क्या हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जिससे क्या डेथ भी हो सकती है और बहुत इंजरी हो सकती है. डू नॉट जम्प ऑन द बेड, बेड पे भी क्या हमें जंप नहीं करना चाहिए, इससे भी क्या हमें चोट लग सकती है. नेक्स्ट वन इज सेफ्टी इन स्कूल, स्कूल में कैसे सेफ रह सकते हैं. नेवर थ्रो डस्ट, चाक पीसेज एंड अदर थिंग्स एट वन अनदर, कभी भी हमें एक दूसरे के ऊपर चाक और डस्टर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कभी आईज में लग सकता है, ईयर में लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, जिससे क्या है किसी को भी चोट आ सकती है. डू नॉट जम्प ऑन द डेस्क एंड बेंचेस, डेस्क और बेंचेस के ऊपर से भी कभी जंप नहीं करना, जिससे भी क्या हमें बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है. वॉक केयरफुली वाइल गोइंग अप एंड डाउन द स्टेयर, स्टेयर मीन सीढ़ियां, हमें केयरफुल मीन ध्यान, हमें बहुत ही ध्यान से सीढ़ियां चढ़नी चाहिए और उतरनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज सेफ्टी इन प्ले ग्राउंड, मीन खेल के मैदान में हमें कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए. डू नॉट प्ले नियर थ्रोन्स एंड हेजेस, थ्रोन्स मीन झाड़ियां, हमें कभी भी कंडेदार झाड़ियों के पास नहीं खेलना चाहिए. नेवर प्ले गेम फॉलो, प्ले द गेम फॉलोइंग रूल्स, और हेड्स मीन नहीं खेलना चाहिए कंडेदार झाड़ियां पेड़ों के साथ पास, जिससे क्या हमें चोट लग सकती है. और ऑलवेज हमें गेम कैसे खेलनी चाहिए, रूल्स फॉलो करके.
जी बेटा, आपका लेसन है रूल ऑफ सेफ्टी। हमें सुरक्षा के कुछ नियम होते हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, जो हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, जिससे क्या है हमें सुरक्षित रह सकते हैं। रूल्स कहाँ कहाँ फॉलो करने होते हैं हमें सेफ्टी ऑन रोड, होम, स्कूल एंड प्लेग्राउंड। अगर हम बेटा इन सभी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम सेफ रहेंगे और हमारी लाइफ अच्छी रहेगी, हम इंजरी से भी बचे रहेंगे। सो फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स बिकॉज दीज रूल्स आर मीन्स फॉर अवर सेफ्टी। थैंक यू।